नमस्कार, मैं संतोष चकोर। आज हम बात करेंगे ऐसी लड़की की जो भारत के सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। एक समय में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने वाली ये लड़की, यानी कि जो कुछ समय पहले ब्यूटी क्वीन थी, अब वो भारतीय सेना में एक ऑफिसर बन गई है। हम बात कर रहे हैं गरिमा यादव इनकी। ये हरियाणा के रेवाड़ी में सुरीली गाँव की रहने वाली है। 2017 में गरिमा यादव ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। इसमें 20 राज्यों की लड़कियां शामिल थी, लेकिन गरिमा यादव इन सब में पहले नंबर पर आई। और इसके बाद एक इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होने वाला था और इसमें भी गरिमा यादव हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन उसी वक्त CDS की एग्जाम थी। तो गरिमा यादव ने इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट और CDS एग्जाम, इन दोनों में से CDS एग्जाम को चुना और इस CDS एग्जाम के पहले ही अटेम्प्ट में वो पास हो गई। CDS एग्जाम यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस की ये एग्जाम पास होने के बाद उन्होंने OTA में यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में उन्होंने एक साल तक कड़ी मेहनत की। इस एक साल के दौरान गरिमा यादव को काफ़ी कठिन प्रशिक्षण का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने इस पाठ्यक्रम के सारे गतिविधियों में हिस्सा लिया और उनकी जो भी सारी कमजोरियाँ थी उन्होंने उनको दूर करने का प्रयास किया। गरिमा यादव जब CDS एग्जाम पास करके OTA में आई तो वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में थी तब वो खूबसूरत दिखने का प्रयास करती थी, इसलिए वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन जब वो OTA में आई तो एक साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और इस एक साल के बाद उनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है, यानी कि वो एक ऑफिसर बन गई है। आज गरिमा यादव भारत की सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है। अगर वो चाहती तो ब्यूटी क्वीन बन के यानी कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाकर जो ब्यूटी क्वीन का खिताब था वो भी जीत जाती और उसके बाद वो ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा इनकी तरह फिल्मी दुनिया में जाती, करोड़ों रुपए कमाती, या फिर वो मॉडलिंग की दुनिया में जाती, वहाँ पर भी लाखों करोड़ों रुपए वो कमाती। लेकिन इसकी बजाय, इन क्षेत्र में जाने की बजाय, यानी कि भारतीय सेना में जाकर उन्होंने देश सेवा करने का निर्धार किया और इसी वजह से भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट गरिमा यादव आज भारत के सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्थान बन गई है। और गरिमा यादव के इस धैर्य के लिए, उनके इस साहस के लिए और उन्होंने OTA में किए इस कठिन परिश्रम के लिए हमारी तरफ से उनको एक सैल्यूट।